नमस्कार दोस्तों, आपका डेली में स्वागत है। अचानक आई बाढ़ से जलमग्न हुआ रास्ता, घंटों फंसे रहे स्कूल बच्चे। एक और जहां देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ रहा है और लोग पानी के बिना की किल्लत झेल रहे हैं, लेकिन वहीं कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालात है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पहाड़ी नदी की अचानक बाढ़ आ जाने के स्कूल से वापस आ रहे बच्चे कई घंटों तक फंसे रहे। खरगोन जिला में मुख्यालय के करीब 45 किलोमीटर दूर मोहनपुरा में सामराटपार में बीच नदी के उस समय अचानक बाढ़ आ गई जब कुछ बच्चे और शिक्षक स्कूल से लौट रहे थे। तभी शाम करीब 4 बजे आई। वह सभी 3 घंटे तक इंतजार करते रहे। इस दौरान वहां कुछ ग्रामीण भी फंसे रहे। इसके बाद शाम तक नदी के बाढ़ पानी जब कम हुआ तो बच्चे को नदी पार कराई गई। बच्चे और शिक्षक रात को 8 बजे अपने अपने घर पहुंचे। बाढ़ में फंसे रहे दौरान शिक्षकों ने ग्रामीण को उफनती नदी के किसानों पर कहा है कि उन्होंने सिंचाई के लिए उस पार पाइप ना जाना था, लेकिन वो कहीं फंस गए, वहां पर नहीं जा पाए। कई ग्रामीण बाइक लेकर पहाड़ी पर बैठकर नदी का पानी उतरना और इंतजार करते थे। शाम करीब 7:30 बज गए। जब 7:30 पानी उतना तो तब वह पार हुए। बता दें कि मंगलवार को और बुधवार को खमगोर जिलों में हिस्सों की जोरदार बारिश हुई। इस बारिश के कई जगहों पर जल भरा हो गया और यातायात अवरुद्ध रहा।